हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस के लिए खुशखबरी है। सोशल मीडिया से कोसों दूर रहने वाली बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या जल्द ही इंस्टाग्राम पर डेब्यू करने जा रही हैं। ऐश्वर्या कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर वॉक करने से ठीक एक दिन पहले यानी कि 11 मई को सोशल मीडिया से जुड़ जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या ने यह फैसला करीबी दोस्त करण जौहर और मनीष मल्होत्रा के कहने पर लिया है। कहा जा रहा है कि लंबे समय से यह दोनों ऐश्वर्या से सोशल मीडिया पर आने के लिए कह रहे थे। यहां तक कि उनकी टीम ने भी ऐश्वर्या से सोशल मीडिया से जुड़ने को कहा, जिसके बाद ऐश्वर्या ने यह फैसला लिया है। कांस फिल्म फेस्टिवल में अपीयरेंस से पहले ऐश्वर्या का यह फैसला उनके फैंस के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। ऐश्वर्या कांस में 12 मई को रेड कारपेट पर वॉक करेंगी। ऐश्वर्या का यह कांस में 17वां अपीयरेंस होगा। इस बार भी सभी की नजरें ऐश्वर्या की ड्रेस पर होंगी। हालांकि कई बार ऐश्वर्या अपनी ड्रेस और लिपस्टिक के रंग को लेकर ट्रोल भी हो चुकी हैं। ऐश्वर्या पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा साल 2002 में बनी थी। तब से लेकर अब तक वे लगातार अपने आउटफिट से लोगों को इम्प्रेस करती आई हैं। पहली बार ऐश्वर्या ने संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान के साथ रेड कारपेट पर वॉक किया था। यह मौका उनकी फिल्म देवदास की स्क्रीनिंग का था। कांस फिल्म फेस्टिवल 8 मई से शुरू हो चुका है जो 19 मई तक चलेगा। आपको बता दें, केवल ऐश्वर्या ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के कई स्टार्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर अभी तक नहीं है। इस लिस्ट में आमिर खान, कंगना रनौत और रानी मुखर्जी का नाम शामिल है। वहीं अगर बच्चन परिवार की बात की जाए तो ऐश्वर्या को छोड़कर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं।